अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप सब लोग के? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे भी। जुमे को आया था मुझे मैसेज नादरे दफ्तर वालों का कि आज आप आके अपना NIC लेके जा सकते हैं, लेकिन उस दिन था मेरा पेपर और मैं जा नहीं सका। पेपर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बायो का पेपर था, उसको छोड़ भी नहीं सकते थे। NIC के लिए पेपर क्या छोड़ना, आज चले जाते हैं ले आएंगे। और उससे अगले दिन सैटरडे आ गया, सैटरडे को थी बारिश और मैं जा नहीं सका सैटरडे को। और उससे अगले दिन आ गया संडे, संडे को थे वर्किंग डे ऑफ नादरा दफ्तर वालों का। आपको पता ही है कि संडे और सैटरडे को छुट्टी होती है, तो ऑफ कोर्स हम नहीं जा सके। तो आज मंडे है और डेट भी है 18, और फाइनली आपका भाई भी 18 साल का हो गया और मैं आ जाऊँगा अपना NIC से। जी आज का व्लॉग शुरू। अभी हम जा रहे हैं अपना NIC लेने, हम तीनों ही जा रहे हैं, ये मेरा छोटा भाई, ये अहमद भाई और ये आपका भाई। चलते हैं ऐसे फिर आपसे नादरा दफ्तर पहुँच कर। अभी हम जा रहे हैं जी वापस ID कार्ड लेके। ये देखें जी मेरे हाथ में, भाई ने कोई चीज़ लेनी थी तो अभी हम वहाँ पे दुकान से किसी जनरल स्टोर से लेंगे, कोई चीज़ लेनी है, जो भी कुछ लेना है भाई। फिर हम पहुँचते हैं जी घर और घर पहुँच के आपसे मिलते हैं जी। फाइनली मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं आज बाहर हो गया और मैं अपने घर वालों की इजाज़त बगैर भी अपने फ्रीजे सर अंजाम दे सकता हूँ, लेकिन हम घर वालों की इजाज़त बगैर चलते नहीं हैं, कोई काम करते नहीं हैं, घर वालों की इजाज़त बगैर हम काम करेंगे ही नहीं, करने भी नहीं देंगे। अभी मैं आ गया हूँ घर अपना ID कार्ड लेके। यार मैं तो थक गया हूँ बस, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रश था। घर पहुँच गया हूँ खैरियत से, अब मिलूँगा आपसे कल एक नए व्लॉग में, क्योंकि कल है मेरे दोस्त के भाई की शादी तो हमने जाना है वहाँ पे, मैंने और एक मेरे दोस्त ने, तो वहीं पे मिलेंगे आप।